हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो टीजीटी का जो मुद्दा चला हुआ है, जो टीजीटी का रिजल्ट है, जिसको बार बार में अटकाया जा रहा है, जानबूझ करके अटकाया जा रहा है। क्योंकि अगर एचएसएससी चाहती तो इसी 12 सितंबर को उसे रफा दफा कर सकती थी, लिखित में सब कुछ दे सकती थी, रजिस्ट्री के फॉर्म में जमा करवा सकती थी। इससे क्या होता कि ये सब कुछ मामला रफा दफा हो जाता और आपका सितंबर के एंड तक आप लोगों का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता। लेकिन ये जो तारीख है, यहाँ से 19 अक्टूबर ले ली गई है। तो ऐसे हालात में जो कैंडिडेट्स हैं उनका गुस्सा होना लाजमी है, बिल्कुल ह्यूमन नेचर है। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये 2015 में आई थी टीजीटी की वैकेंसी, उसके बाद टीजीटी की कोई वैकेंसी नहीं आई। लोगों ने 7-8 साल तक बिल्कुल वेट किया यहाँ पे टीजीटी की भर्ती के लिए, काफी के तो एस्टेट भी इनवैलिड हो गए। ठीक है, फिर जब 2022 में जब भर्ती आई तो पिछले साल जब इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला तो इन लोगों ने क्या कहा कि भाई हम लोग ना अप्रैल में ही इस भर्ती को कम्प्लीट कर लेंगे। लेकिन फिर ये दोबारा से इसका नोटिफिकेशन निकाला गया, 2023 हो गया, 2023 के मई में आपका एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट है वो आप लोगों का जून में आना स्टार्ट हो गया था। लेकिन फिर इन लोगों ने क्या कहा कि भई हम लोग तो जून में, जब इनसे स्टेटमेंट ली गई तो जून में इस भर्ती को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। फिर उन्होंने कहा कि जुलाई में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, आप लोगों को ज्वाइनिंग दे देंगे, अगस्त में कर देंगे। फिर इन्होंने कहा कि सितंबर में फाइनल रिजल्ट दे देंगे। लेकिन अब क्या किया जाए, अब इनका तो कुछ पता ही नहीं है, तो जान पूछ करके लटकाए जा रहे हैं। अब लोग इन लोगों ने 19 अक्टूबर तो इस हियरिंग की डेट ले ली है, जबकि उस केस में कुछ भी नहीं है, बेफिजूल का केस है वो। ठीक है, जब भाई एडवर्टाइजमेंट में साफ लिख दिया भाई इनको वैलिड करेंगे इनको नहीं करेंगे, तो वो केस बनता किस चीज का है? मुझे तो ये केस करने वाले भी मतलब बेवकूफी कहूंगी मैं तो इनको, भाई जान पूछ करके भर्ती को लटकाना चाह रहे हैं। आप लोग भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकती हूँ, प्राइवेट स्कूल से कोई भी मतलब आज के टाइम पे कुछ भी करवा सकता है, प्राइवेट में सब कुछ चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये जो रिजल्ट है ये नवंबर में भी नहीं आएगा। तो इसके लिए सभी कैंडिडेट्स इकट्ठा हो रहे हैं, 18 सितंबर को लोग पंचकुला जा रहे हैं, जितने भी एचएसएससी टीजीटी के जो कैंडिडेट हैं, जिनके पास टाइम है, जो जा सकते हैं, अपने हक के लिए बोल सकते हैं, आसपास से हैं, उन लोगों को तो जरूर जाना चाहिए पंचकुला। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग जाइए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आप वहां पर जो भी एक्टिविटी करें बिल्कुल पीसफुली करें, कभी इस भर्ती को मतलब ज्यादा इसको बिगाड़ ना ले। वैसे बिगड़ेगा तो कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप सभी लोग भावी शिक्षक हो, तो इतनी समझ तो आप में भी है कि आप कोई हुड़दंग वगैरह तो करने वाले हो नहीं। क्योंकि सभी लोग अच्छे खासे मतलब ये समझ लो जो टीचिंग की एज में है वो 25 से तो अबव ही है, 25-30 के आसपास है, तो इतनी तो समझ है कि वो सब लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक अपनी बात रखेंगे। और हो सकता है या ऐसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ भाई कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल जाए। सरकार को भी सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स जरूर देना चाहिए। तो मेरे चैनल से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और जो आसपास के हैं, उन लोगों से मैं यही उम्मीद करूंगी कि वो लोग जाएं 18 सितंबर को, वहां पे अपनी बात रखें पीसफुली, और जो भी हो पॉजिटिव हो, रिजल्ट जल्द से जल्द आए, भर्ती फटाफट से कंप्लीट हो। क्योंकि आप लोग समझ सकते हो आगे फिर इलेक्शन है, और सरकार इस भर्ती को अगर इलेक्शन तक खींच कर लेके चली गई और इसका रिजल्ट नहीं दिया, आचार संहिता वगैरह लग गई, तो नेक्स्ट जो सरकार आएगी वो तो आप लोग जानते ही हो क्या करती हैं सरकारें। जब सरकारें बदलती हैं तो पूरे के पूरे भर्ती को ही वो क्या कर देती हैं, कैंसिल भी कर सकती हैं, कुछ नहीं पता होता, ये सरकार पॉलिटिक्सबाजी कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए इस भर्ती का जो रिजल्ट है वो टाइम पे आना चाहिए, और ये ऐसा कोई केस नहीं है जिसको इतना खींचा जा रहा है, भाई इस केस को आप लोग चलाते रहो लेकिन रिजल्ट है उसको दे दो। ठीक है, तो बस यही उम्मीद करती हूँ, आप लोग पहुंचेंगे वहां पे और अपनी बात को शांतिपूर्वक रखेंगे, बिल्कुल पीसफुली अपनी बात को रखना है, ताकि कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स जरूर आए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था, यही इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि काफी कैंडिडेट के कमेंट आ रखे थे कि इस बारे में आपकी क्या राय है। तो मेरी तो यही राय रहेगी, आप लोग जो भी करें पीसफुली करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।